Everyone, in Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be covering topic 7, part 2. So let's begin. See, in the last class, we already discussed about the nature, origin, and the characteristics of language, right? So in today's lecture, we'll be covering about the verbal and the non-verbal communication along with the social context of language use. This may sound key, okay, this is a very less number of topics that we need to cover, but let me tell you, ye kafi एक एग्जॉस्टिव कवरेज हम करेंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर भी करने वाले हैं. अलॉन्ग विद दैट आप वैल्यू एडिशंस देखेंगे जिसके अंदर लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म एंड ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट सैपिर एंड वू हाइपोथेसिस, लाइक व्हाट इज इट, वेयर इट कैन बी यूज्ड एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. ऑल राइट, सो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, वेन यू टॉक अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई एम श्योर every one of us is having idea about it, right? It's not something a very new topic that we are encountering. Hame pata hai sabhi ko ki verbal or non-verbal communication kya hota hai, ise kaise use karte hain, everything we know, right? But when you're talking about like what you need to write in your anthropology like examination, so that would be something more trickier than this. जो हम generally जानते हैं, we'll learn some basic terms related to it, ताकि आप उसे mention कर सके. We'll learn about a few linguists or the anthropologists who have contributed into it, ताकि आप अपने answer को अच्छे तरीके से frame कर सके. But of course, जो आपकी एक general understanding है verbal and non-verbal communication की, वो तो वहीं की वहीं रहेगी. हम उसमें कुछ add-ons करेंगे. So आपके जितने भी speech या आप writing, जो भी form of communication है, ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपको एक्सप्रेस करने में. वो आपको आपके एक्सप्रेशंस में हेल्प करते हैं. विदाउट दिस योर एक्सप्रेशन वोंट बी पॉसिबल, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे. यू नीड सम काइंड ऑफ ए मीडियम, राइट? एंड इन लास्ट क्लास वी स्टडीड की लैंग्वेज और स्पीच लाइक काइंड ऑफ एन इनसेपरेबल विद ईच अदर, बट देयर आर वेरियस अदर थिंग्स, यू कैन से लाइक सेकेंडरी थिंग्स दैट इज रनिंग पैरेलली अलोंग विद द स्पीच. वट इज दैट? वो होते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका टोन ऑफ वॉइस, योर मूवमेंट, पॉस्चर, ये सारी चीज़ों को आप गेस्चर्स कह सकते हैं, ठीक है? ये भी डिफाइन करते हैं कि आप जो अपनी बात दूसरों तक रखना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, हाउ वेल इट गोज. सपोज अगर आपने किसी को कुछ काम बोला हुआ, यू आस्क समवन टू डू समथिंग फॉर यू, द पर्सन रिप्लाइड ओके आई डू इट, तो इट मे साउंड कि अच्छा वो थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं है. बट दूसरी तरफ इफ द पर्सन से ओके आई डू इट, it sounds like ki the person, another person, the second person is kind of and much more interested in doing it, that too happily. Lekin jo pehla wala person tha, he may not be very willing to do it, but since like you told him to do it, wo usko kar raha hai beman se maybe. To ye do cheezon ko samajhne mein, understanding mein ek bahut important role play kar deta hai kya, like tone of the voice, right? Usi tarah se aapke facial expressions, movement, ye sari cheeze ek bahut important role play karte hain. और ये जो सारी चीज़ें हैं, आपका कल्चर भी इसमें एक आप कह सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर होता है. लाइक इन एवरी कल्चर यू विल सी, इफ़ यू टॉक अबाउट जापानीज कल्चर, तो जब भी हमारे दिमाग में बात आती है अबाउट द डिसिप्लिन एंड अबाउट द बिहेवियर, फ्रेंडलीनेस और फ्रेंडली बिहेवियर, तो हम जापानीज के बारे में सोचते हैं, लाइक हाउ फ्रेंडली दे आर, हाउ डिसिप्लिन दे आर, दे परफॉर्म सर्टन थिंग्स इन सर्टन वे. और उसी तरीके से अलग अलग, अगर आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाएंगे, चाहे वो आपकी माइक्रोनेशियाज की छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हो, या हमारी कंट्री में भी आप देख लीजिए, अलग अलग जो कल्चरल ग्रुप्स होते हैं उनके चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, चीज़ों को आप कह सकते हैं कहने का अलग अलग तरीका होता है. सो ये आपके कल्चर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब हम सोशल कंटेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम पर भी हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, ठीक है? अब हम आ जाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर. सो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल यूजिंग वर्ड्स, ठीक है? वर्बल से ही पता चल रहा है इसमें वर्ड्स की यूजेज होगी. एंड इट इज़ द यूज ऑफ ऑडिटरी लैंग्वेज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद अदर पीपल, एंड इट इंक्लूड्स साउंड्स, वर्ड्स और स्पीकिंग. द टोन, वॉल्यूम एंड द स्पीच ऑफ वंस वॉइस कैन ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? तो अगर आपको वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, तो डेफिनेटली यू हैव टू स्ट्रक्चर इट इन अ वे जिसमें आप उसका इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे, तो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये सारी चीज़ें लिख सकते. नाउ हमने जब वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जान लिया है, तो हम टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं? फॉर्मल एंड
informal, formal versus informal you can say. So formal से आपको of course समझ में आ रहा होगा like in some formal setup और informal जो हम family setup या कोई informal setup की बात करते हैं family friends उनसे जो हमारी बातचीत होती है right. So अगर आपसे पूछा जाता है and you have to write it down तो you can structure your answer in this way where you can write the differentiation in between the formal communication and non-formal communication. Of course, we all know in दोनों के बीच में differences क्या क्या होंगे, but just to let you know that how you can structure it in a way, आप basis के तरीके से इसको divide कर सकते हैं. जैसे relationship क्या होता है, जो members हैं, when you are in type of an formal communication, तो उसमें आपके superior या subordinate इस type का relationship होता है, यानि कि official relationship होता है. लेकिन आपके informal communication में, you have an interpersonal contacts. नेचर क्या होता है सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली राइट. आप जब भी फॉर्मल सेटअप में बातचीत करने जाते हैं यू जनरली हैव अ काइंड ऑफ एन प्रोटोकॉल दैट यू जनरली फॉलो और समटाइम्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ मीटिंग और अ प्रेजेंटेशन यू गो वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस राइट. आप ऐसे ही नहीं रैंडमली जाते हैं शुरू हो जाते हैं अच्छा बताओ बॉस आज क्या करना है. वी डोंट डू लाइक दैट राइट. सो दैट इज़ वेरी सिस्टमैटिक एंड इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज़ वेरी अनसिस्टमैटिक एंड इरेटिक. कभी भी आप कुछ भी शुरू हो जाते हैं मजाक शुरू हो जाता है फ्रेंड्स के बीच में घर में भी हो तो यू डू सम रैंडम स्टफ्स लाइक दैट. देन स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़ स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि यहाँ पे जब आप फॉर्मल सेटअप की बात करते हो व्हेन यू आर डूइंग काइंड ऑफ इन कम्युनिकेशन इट हैज़ सम मीनिंग टू इट राइट. आप कोई रैंडम गॉसिप नहीं कर रहे हैं वहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हो कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी पर्पज़ के वजह से कर रहे हो दैट इज़ वाई इट हैज़ टू बी लाइक स्लो और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो फास्ट और टाइम सेविंग हो सकता है बिकॉज कभी कभी कोई रीजन नहीं होता व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी इन एन इनफॉर्मल सेटअप इवन शेयरिंग योर यू नो डे टू डे लाइफ विद योर फैमिली इज काइंड ऑफ एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप बहुत आराम आराम से कैसे भी बोल सकते हैं मतलब देर इज़ नो सेट पैटर्न एक्चुअली. ऑथेंटिसिटी की बात करें अगर तो ऑथेंटिसिटी जो आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑफिशियल एंड वेल प्लान मैसेजेस आर ऑथेंटिक बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये अनऑफिशियल होते हैं और अनप्लान मैसेजेस होते हैं और ये मे और मे नॉट बी ऑथेंटिक. ऑफकोर्स यू कैन राइट इट डाउन ये जनरली वैलिड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. कंटेंट और द सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर आपके वर्क रिलेटेड ही होंगे ऑफकोर्स हमने ये अभी जस्ट बात करी लेकिन आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर पर्सनल मैटर डिस्कस किए जा सकते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन केस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स टू मीट पर्सनल नीड्स एंड इंटरेस्ट राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स एंड डिफरेंशिएट इन बिटवीन दीज टू. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप. अब ये सेकेंड टाइप कौन सा है. सेकेंड टाइप है सिंक्रोनस वर्सेज एसिंक्रोनस. ऑफकोर्स सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो भी है इसमें भी हम अगर डिफरेंशिएशन से इसको समझने की कोशिश करें तो सिंक्रोनस एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ इज द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस इन रियल टाइम. सच अ कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड और अ फैमिली मे बी कॉल्ड एज सिंक्रोनस और नॉट जस्ट फ्रेंड विद फैमिली इफ यू आर इवन टॉकिंग विद योर बॉस लाइक फेस टू फेस आप वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहे हो क्योंकि आप वो रियल टाइम में वो सारी बातचीत कर रहे हो आमने सामने रह के. बट asynchronous जो communication होता है that is not immediate and occur over a long period of time such as letter, email or even text messages. यानी कि अगर आप अपनी mom को भी text message कर रहे हो like you are texting your mom so that comes under the asynchronous communication if you are doing it through WhatsApp or any other medium right. But अगर आप अपने मॉम से आमने सामने बात कर रहे हो सो दैट इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. आई होप डिफरेंसेस आर क्लियर एंड दिस इज हाउ लाइक यू कैन रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर थिंग यूजिंग द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बिकॉज एवरी टाइम इट इज सेट बाय लाइक दोज हु हैव एक्सपीरियंस एंड दोज हु हैव रिटन द एग्जाम दैट यू शुड यूज एज मेनी एज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स टू प्रेजेंट योर आंसर राइटिंग इफेक्टिवली राइट. तो इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और इस ग्रिड चार्ट के हेल्प से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं दैट हाउ सिंक्रोनस. सिंक्रोनस में क्या होता है सेम टाइम में हो रहा है और जो पर्सन है सेम प्लेस में होते हैं दोनों राइट. सो ये सिंक्रोनस हो गया दिस वन. देन ए सिंक्रोनस की जब हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट टाइम जोन्स में हो रहा होता है और जो पर्सन होते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं राइट. सो दैट इज़ वॉट इज बींग टॉक्ड अबाउट हेयर. नाउ थर्ड आपकी टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है recorded versus unrecorded.
अब ये रिकॉर्डेड वर्सेज अनरिकॉर्डेड क्या है, जो आपकी रिटन कम्युनिकेशन होती है, रिटन कम्युनिकेशन जाहिर सी बात है आप उसे कहीं ना कहीं लिख रहे हैं. इफ़ यू आर राइटिंग एन ईमेल, इफ़ यू आर राइटिंग अ टेक्स्ट मैसेज, आप व्हाट्सएप पे लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर तो हो रहा है अनटिल अनलेस यू डोंट डिलीट इट सो एंड सो फॉर्थ, बट दैट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड फॉर लेटर रिट्राइवल. वाइल जो स्पोकन कम्युनिकेशन होता है आपका इज जनरली नॉट रिकॉर्डेड. वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल सर्कमस्टांसेस. बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रिटन कम्युनिकेशन को डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो, इरेज कर सकते हो, आपने जिस कागज पे लिखा है यू कैन जस्ट थ्रो इट आउट. बट व्हेन यू टॉक अबाउट जनरल सर्कमस्टांसेस, रिटन कम्युनिकेशन कैन बी स्टोर्ड बट स्पोकन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी. ऑल्दो आई एम लाइक स्पीकिंग टू यू, वी आर बीइंग एबल टू स्टोर इट विद इन द यूट्यूब, दैट इज अनदर थिंग, बट जनरल वे में हम बात करें. और इसी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक ऑल थ्री ऑफ देम, यहाँ पे आप इस वेन डायग्राम में देखें, we are representing all three types of the verbal communication we just read right now. अब इसमें क्या क्या हो जाएगा, आपके जो written और spoken को हम दो अलग अलग अगर Venn diagrams में दिखा दें तो written communication formal हो सकता है, asynchronous होता है और recorded होता है, ये इसके features हो गए. Then spoken की अगर हम बात करें तो ये informal, synchronous और unrecorded होता है, ठीक है. और इन्हीं के आप अलग अलग categories में अगर देखना चाहें कि कौन कौन सी types of communication किस कैटेगरीज में होल्ड करती है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो आप देखेंगे कि जो रूल्स हैं और कुछ रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं इन दोनों के, यू कैन से द ग्रे एरियाज ऑफ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस. दे कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स एंड कन्वे मीनिंग. ये तो दोनों में ही होता है, ठीक है, रूल इन दोनों में ही कहीं ना कहीं होगा. व्हेन यू आर स्पीकिंग इवन इन इनफॉर्मल, सिंक्रोनस और अनरिकॉर्डेड वे, इसमें भी कहीं ना कहीं आपके कुछ सेट ऑफ रूल्स तो होंगे ही होंगे, ऑल्दो नॉट वेरी स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड फॉलोड, बट या इट विल बी देयर. देन कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स एंड कन्वे मीनिंग, राइट. तो ये आपको दोनों में ही कहीं ना कहीं एट सम डिग्री और एट सम पॉइंट देखने को मिलेगी. देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर बात करें, सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफकोर्स जिसमें दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, जिसके अंदर आपका कोई वर्बल कम्युनिकेशन यूज ना किया गया, ऑफ कोर्स दैट इज द नॉन वर्बल. एंड दीज इंक्लूड गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, टाइमिंग, टच एंड एनीथिंग एल्स दैट कम्युनिकेट विदाउट स्पीकिंग, ठीक है. तो इसकी कैटेगराइजेशन है कुछ दैट यू कैन डू. कैटेगराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे कर सकते हैं, एंड साइंटिफिकली दैट इज कॉल्ड किनेसिक्स. और डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स. देन वॉइस क्वालिटी दैट इज कॉल्ड पैरालिंगुअल. देन टच को कहते हैं हैप्टिक्स. देन टाइम को क्रोनिमिक्स एंड क्लोदिंग एंड अपीयरेंस. तो आप इन बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड व्हाई दिस कैटेगराइजेशन इज नेसेसरी, बिकॉज दैट इज हाउ द इट विल मेक योर आंसर लुक मोर मैच्योर, राइट. अदरवाइज आप केवल बॉडी लैंग्वेज, डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, ये सारे भी लिख के छोड़ सकते हैं. बट इफ यू राइट ऑल दीज थिंग्स लाइक प्रॉक्सिमिक्स क्या है या पैरालिंगुअल क्या है, दैट विल गिव यू मोर लेवरेज, राइट. और ये सेम चीज़ें हैं जो डायग्रामेटिकली यहाँ पे बताई गई है विद हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. सो यहाँ पे आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्पेस एंड टाइम के अगर टाइम फ्रेम में देखें तो आप प्रॉक्सिमिक्स और क्रोनोमिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे आप देखिए क्रोनोमिक्स जो टाइम के अकॉर्डिंग होता है, और जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ये प्रॉक्सिमिक्स आ जाते हैं. देन बॉडी मूवमेंट के आधार पर आप हैप्टिक्स या काइनेस्टिक कर सकते हैं. हैप्टिक्स यहाँ पे है आपके टच, एंड काइनेस्टिक आपके बॉडी लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है. देन पैरालिंगुअल वोकलाइजेशन पे डिपेंड करता है. देन क्लोथिंग एंड अपीयरेंस इज इटसेल्फ अ डिफरेंट कैटेगरी. नाउ वी विल स्टडी ईच वन ऑफ देम वन बाय वन. सबसे पहले अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन दैट इज काइनेसिक्स की बात करें, तो फेशियल एक्सप्रेशन वी आर ऑल अवेयर अबाउट ऑल दीज एक्सप्रेशन, राइट. हमें अगर यहाँ पे पता भी ना हो, ये एंगर अगर ये लिखा भी आप ना देखो, देन यू विल गेट टू नो कि ओके दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फियर, दिस इज फॉर सरप्राइज, दिस इज फॉर सैडनेस, दिस इज फॉर जॉय. Because this is how like we have grown up seeing things like this. That is why we are being able to understand in a particular setup. And wherever you go, like aap India mein ho, ya aap US mein ho, UK mein ho, aap China mein ho, har jagah aapko facial expression is tarah se same hi milegi almost, right? Usme aapko koi bahut zyada difference dekhne ko nahi milega. And these human faces extremely expressive, able to convey countless emotion without saying a word. And these facial expressions are universal. That is what we just said. और आपने देखा होगा बहुत सारे stage shows, theater artists वो होते हैं. They are like very good at expressing their feelings and emotions using the facial expressions only. And these facial expressions for happiness, sadness, anger, surprise, fear and disgust are same across all culture, right? तो ये भी हमने
पहले ही बात कर ली है. ऑल्दो एग्जाम में आप ये सारे नहीं बना सकते, तो यू कैन इवन ड्रॉ दिस लाइक इमोजीज ऑल्सो, राइट. ये इमोजीज हम यूज़ करते हैं फॉर सैडनेस, ये इमोजीज हम यूज़ करते हैं फॉर हैप्पीनेस. तो दीज ऑल यू कैन डू एंड यू नो कन्वे योर पार्ट. देन बॉडी लैंग्वेज की बात करें, दैट इज काइनेसिक्स. सो बॉडी लैंग्वेज और जो आपके पॉस्चर्स होते हैं, दे ऑल्सो से अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक वी ऑल रिमेंबर दिस थिंग, राइट. एज अ किड यू मस्ट लाइक वेंट आउट ऑफ योर क्लास. हम में से हर किसी को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्लास के बाहर जाना पड़ता था या होगा व्हेन वी वर किड, राइट. तो जनरली टीचर्स आपको बोलते थे लाइक पुट योर हैंड्स बैक एंड स्टे स्ट्रेट और समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज़ द पोस्चर इफ़ यू रिमेंबर इट करेक्टली, राइट. आप हाथ पीछे करके खड़े हो जाते थे एंड लाइक योर हेड इज़ जस्ट डाउन. दैट इज़ वॉट शो कि ओके हमने कोई गलती की थी एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइक वी आर स्टैंडिंग आउट लाइक दिस, राइट. एंड वेन सम एथलीट और समवन यू मस्ट बी नोइंग और इवन लाइक अस लाइक वाइल प्लेइंग एनी काइंड ऑफ एन गेम, वेन यू गेट टायर्ड यू जस्ट बो डाउन लाइक दिस, राइट. दिस इज़ अ वे टू शो. और वेन यू जस्ट वॉन्ट टू स्ट्रेच यू डू इट लाइक दिस. So you somebody like who's watching you, they know like okay, you are trying to, you know, stretch you up and maybe like preparing for something. And similarly, ek aapko kisi cheez ke liye you feel very sorry, so you do like this. So these all are like general you can say postures that we do, whether like we are in at that particular situation or a position, you can say. Or ye hey, ye, like when you are very happy, you start dancing and something like that. Not exactly in the same way like a ball dancer or someone. But yeah, we generally do it in more or less this way only. And this is what again is being recognized across the culture. Aap har jagah dekhenge, kahin na kahin more or less ye sari cheeze aapko similar dekhne ko milengi. Theek hai? So that is what about the kinesics. Then gestures. So what are these gestures? एंड वी जस्ट स्टडीड कि जितने भी आपके बॉडी मूवमेंट और ये होते हैं, दैट वी कलेक्टिवली कॉल एज गेस्चर्स, ऑफ कोर्स. सो गेस्चर्स भी आप उसको कह सकते हो कलेक्टिवली भी, लेकिन अगर हम गेस्चर्स को एज एन इंडिविजुअली भी अगर समझना चाहे, तो ये बेसिकली ये डिफाइन करते हैं दैट हाउ डू यू कैरी आउट योर सेल्फ. इफ़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जनरली ये बोला जाता है जब आप अपने आर्म्स को क्रॉस रखते हो वाइल टॉकिंग टू समवन, इट इज़ कंसीडर्ड अ वेरी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज. Why? Because ये show करता है that you are not kind of an interested into it, ठीक है. आप कुछ interested नहीं हो और आप कुछ ज़्यादा वहाँ पर करना नहीं चाहते. And while these hand behind your back like this, it indicate confidence and authoritative behavior. You will generally see like there are some politicians or there are some like good leaders who standing out and thinking about something, they'll generally stand in this particular posture or position. Even like in and around yourself, or aap bhi kabhi na kabhi kuch bahut gehri soch mein honge and you're like planning to do something very big, you might have experienced this kind of an gesture in yourself itself. To ye sari cheeze aap dekh sakte hain, lekin jo gestures ke case mein hum baat kar rahe hain, so all the gestures that you do may not be the same. एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो लाइक वाइल इन केस ऑफ जापानीज कल्चर, बिकॉज जापानीज कल्चर द वे हाउ दे से हेलो टू यू इज काइंड ऑफ नोन टू अस. दे जस्ट बेंट एंड दे से हेलो. बट इन आर कल्चर वी जनरली डोंट डू इट. हम और ना ही हमें वो कन्वे होता है दैट वेदर द पर्सन वेन ही इज ट्राइंग टू बेंट इन फ्रंट ऑफ यू, यू वॉन्ट से कि अच्छा वो आपको हाई कहना चाह रहा है अनटिल अनलेस यू डोंट नो अबाउट इट, राइट. लेकिन जापानीज में तो वही फॉलो होता है, बट इन केस ऑफ इंडिया वी डोंट फॉलो इट. वो आप किसी के सामने जाके बेंट हो रहे हो, इट डजंट कन्वे दैट यू आर सेइंग हाई टू द पर्सन, राइट. तो ये गेस्चर्स अलग अलग कल्चर्स में आपके डिफरेंट हो सकते हैं, और किसी कल्चर में कोई एक पर्टिकुलर गेस्चर ऑफेंसिव भी हो सकता है, राइट. लाइक एक एग्जाम्पल आप और मेंशन कर सकते हैं, ओके का जो साइन है, ओके जो आप हैंड सिंबल बनाते हो इस तरीके से. सो दिस ओके आप हाथ से बनाते हो ना, ओके आई एम कांट एबल टू ड्रॉ. सो आप ओके का जब हैंड से गेस्चर्स बनाते हो, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज शो करता है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में. हमारे यहाँ इंडिया में भी वी डोंट फील ऑफेंसिव अबाउट इट, राइट. बट इन केस ऑफ जर्मनी, रशिया और ब्राज़ील, इन कंट्रीज में इस टाइप का हैंड गेस्चर इज कंसीडर्ड टू बी ऑफेंसिव. तो दैट यू कैन मैंशन एज एन एग्जाम्पल कि ये यूनिवर्सल नहीं है. तो अगेन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन, although this is a very small point, but कहीं ना कहीं एक contradictory statement देके पूछ लिया जा सकता है that why gestures are not universal and substantiate a point, giving example, and why these facial expressions are called to be universal. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ questions आपको frame किए जा सकते हैं.
That is what we discussed in last class also, that you have to keep your eyes and ears open so that you are better able to think. Because jitna bhi aap padh le, anthropology ke 5 book padh le, 10 notes padh le, that doesn't matter. What matters is ki aap wahi ek ya do resources ko kaise better utilize kar rahe hai, theek hai? Aap kaise multidimensionally soch rahe hai. Even though aap apne aap ko bahut overstretch na kare ki bahut sara material ikhatta kar liya and then we'll study at the end, that won't work. So is tarike se aap sochne ki koshish kijiye, theek hai? And whatever question मैंने कल भी बताया था, whatever question that I'm telling as an example, they may not be a very good questions to be asked in the examination. I'm just telling you as an example. ठीक है, अब बात कर लेते हैं other non-verbal communication की, that is the eye contact. They are very important type of non-verbal communication, right? ऐसा अक्सर बोला जाता है, whenever you are talking to somebody, don't just look here and there. Try and make an eye contact. That shows that you are kind of, an, you know, interested in talking to the person, and that makes a good impression also, right? आप इधर उधर देख के बात करते हो, तो that shows like you are kind of in maybe like not very confident about what you are talking or something like that. So that is why it is very important, especially जब आप interview के लिए जाते हैं, and then you are sitting in front of the panel. ये उस टाइम की चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट हाउ डू यू कैरी आउट योर सेल्फ अदर देन दी वेरियस अदर थिंग्स. ये भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है? और ये आपके नॉर्मली सोशल सेटिंग्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ऑलराइट, इट कम्युनिकेट इंटरेस्ट, अफेक्शन, हॉस्टैलिटी और अट्रैक्शन, एंड दिस आई कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन एंड फॉर गॉजिंग द पर्सन्स इंटरेस्ट and response. अगर कोई बंदा आपके साथ बात करने में interested, the person will listen to you, will try and look into your eyes. But वो interested नहीं है तो वो इधर उधर देखेगा, and then you can just kind of in perceive कि okay, the person I'm talking to is not kind of in very much interested in what I'm talking to. So what I'm talking, so I should just kind of, you know, discontinue the conversation. तो ये सारी चीज़ें होती है that we also experience in our day-to-day life. There is nothing much to know into it. Another non-verbal communication is proximics. See, proximics basically deals with the space, जो physical space है. And this particular concept was dealt by Edward T. Hall during 1960s, right? So you need to mention his name, that he did this particular behavior studies during 1960s. And what he proposed that suppose this is a person, suppose this is you. So you have certain space or a physical distance that belongs to the intimate space, you can say. And there is certain space जिसको आप personal space कह सकते हैं, then comes the social space, और उसके बाद आपका public space आता है. So this is what Edward T. Hall gave as a concept related to proximics. And we all in our day-to-day life, हम सभी ये proximics से deal करते हैं. We all follow this somehow, consciously, unconsciously. Whenever you are like talking to your senior, you just don't go to their office and start, you know, talking to them while going very close to their chair or something like that, right? We generally don't do it because there's a way to conduct ourselves when you're talking to your seniors or your colleagues or something like that. But in case of जब आप बात करते हैं, you're talking to your friends, तो you generally don't follow all these things because they all comes to your personal space or maybe like sometimes at social space. तो उसकी जो दूरी होती है, distance होता है, वो काफ़ी कम होता है, and we don't mind it, right? But again, अगर आप इसको अलग तरीके से भी देखें, because there is no one thing that is playing into it. Even in case, जैसे अभी हमने बात करी senior की, तो senior वाला जो case है, that is of formal setup, right? वो फॉर्मल सेटअप है. और जब हम इनफॉर्मल सेटअप की बात करते हैं, तो इन सम लाइक फैमिलीज यू माइट सी दैट द एल्डर ब्रदर और द वाइफ ऑफ अ पर्सन, दे डोंट कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट, समटाइम्स दे डोंट इवन टॉक टू ईच अदर. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ एन कस्टम दैट दे आर फॉलोइंग, ठीक है? और वो बातचीत नहीं कर रहे. और अगर हम इसे टेक्निकल टर्म्स में देखें, तो ये क्या है, ये एक प्रॉक्सिमिक्स का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है. और ये जो आपके फिजिकल स्पेसेस है, दे डिफर डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर, ठीक है? जो आप ये वाला एग्जाम्पल है, अगर आप चाहे एग्जाम में लाइक इफ देयर इज अ स्कोप, तो यू कैन मेंशन इट. आप बता सकते हैं कैसे अलग अलग कल्चर्स में प्रॉक्सिमिक्स एक डिफरेंट रोल प्ले करती है, एंड द सिचुएशन एंड द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप. ऑफ कोर्स एक रिलेशनशिप में कितनी वार्मथ है, उस रिलेशनशिप आपकी कहाँ एग्जिस्ट करती है, ये सारी चीज़ों पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप अगर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो किस लेवल पर जाके होगी, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉक्सिमिक्स. Then talking about
अनदर प्रॉक्सिमिक्स दैट इज द प्रॉक्सिमिटी, मतलब ये प्रॉक्सिमिक्स के अंदर ही आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस से डील कर रहा है. इफ यू रिमेंबर हमने पहले ही फ्लो चार्ट में देख लिया था ये दो डिविजन्स है इसके. सो अगर हम प्रॉक्सिमिटी की बात करें सो क्लोजनेस, क्लोजनेस टू द ऑडियंस सेंड्स अ नॉन वर्बल मैसेज. अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस मीन्स थ्रेटनिंग कम्युनिकेशन. ऑन द अदर हैंड टू मच स्पेस इज एन ऑकवर्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड दैट माइट कन्फ्यूज द लिसनर. ऑफकोर्स ये आप प्रॉक्सिमिटी से ये मत समझ लीजिएगा कि वेन यू आर हगिंग योर मदर और योर फैमिली मेम्बर्स वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो जाएगा. ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है जो रोल प्ले कर रही हैं. तो सपोज यहाँ पे ये वाली चीज़ें कोई आपसे ऐसे बात कर रहा है ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है इवन लाइक योर फ्रेंड्स दे काइंड ऑफ एन थ्रेटन यू समटाइम्स राइट. तो उस सारी सिचुएशंस को भी आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं. देन वॉइस क्वालिटी, लाइक वाई वॉइस क्वालिटी मैटर्स, बिकॉज जो आप किस तरह से बात कर रहे हो लोगों तक वो आपका मैसेज पहुँचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है दैट देयर वॉइस इज इटसेल्फ वेरी हार्श, दैट इवन दो देयर लाइक टेलिंग समथिंग वेरी जेंटल और स्वीट इट मे साउंड लाइक कि ओके द पर्सन इज नॉट टॉकिंग इन अ वेरी जेंटल मैनर बिकॉज ऑफ द वॉइस टोन राइट. एंड दैट इज वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको कई बार आपके एंगर, अफेक्शन, कॉन्फिडेंस, सार्केज्म बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड दैट इज वाई इट इज सेड दैट नॉट ओनली व्हाट यू से बट हाउ यू से इट ऑल्सो मैटर्स. आप जो बोल रहे हो सकता है आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हो बट अनटिल एंड अनलेस दैट व्हाट यू आर टॉकिंग इज नॉट साउंडिंग प्लीजिंग और एज पर द रेलेवेंट कंटेक्स्ट इट मे नॉट बी वेरी यूजफुल राइट. देन टच और हैप्टिक्स, we all saw this particular image right when our prime minister went to meet the former US president right. So us time pe you may see that he is having a kind of an hand gestures with him theek hai, and there are like various many other pictures but can you see the hand gestures out here right. Although ye bahut fraction of seconds mein pictures li gayi hai but you can see ki kis tarah se they are you know hugging each other and they are tapping like the hands of each other just to show ki okay there is a kind of an bond in between the friendliness right. So this also tells a lot. आप कभी भी किसी से आपको उसके हाथ थपथपा रहे हो आप या उसके आप पीठ थपथपा रहे हो दोज ऑल रिप्रेजेंट सो मेनी थिंग्स. इवन विदाउट सेइंग एनी वर्ड यू काइंड ऑफ एन calm someone by just tapping on his back right. We do it generally many of the times and these communication is a great deal through touch. For example weak handshake, warm beer hug, a patronizing pat on the head or a controlling grip on the arm, these all play a very important role. Of course aap inke diagrams draw nahi kar sakte but aap likh bhi denge to chal jayega. Then talking about the time as a form of non-verbal communication with respect to time basically. So isko aap chronemics kehte hain and in this way that an individual would perceive and value time, structure or our time and react to time in a powerful communication tool and help set the stage for the communication process. Aur ye bhi alag alag aapke cultures mein ye time ka perception alag hota hai theek hai. And these time perception include punctuality, willingness and interactions. The use of time can affect lifestyle, daily agendas, speech, movement and UPSC aspirant can't agree more onto this ki time ki important kitni zyada hoti hai right. And there's also a saying like which is your friend as well as foe, nothing else than time. Samay hi aapka sabse bada dost bhi hai aur dushman bhi hai right. It only depends कि आप उसे किस तरह से perceive कर रहे हैं. अगर आप चाहें तो आप समय का बहुत अच्छा utilization कर सकते हैं, it becomes your friend. आप चाहें तो समय को kill कर सकते हैं, it becomes your enemy, right? And this time can also be used as an indicator of status. For example, in most companies, the boss can interrupt progress to hold an impromptu meeting in the middle of the work. Yet the average worker would have to make an appointment to see the boss, right? And the way different culture perceive time can influence communication as well. Cultures are usually put into two time system categories, that is monochronic and polychronic. Aur ye kyun bola ja raha hai ki different culture perceive time influence communication as well, because bahut sare languages hote hain, especially jo tribal languages hote hain, bahut sare islander groups ki New Guinea mein aapko bahut sare aise examples dekhne ko milenge jinka time ka perception bahut different hota hai. Unka time ka perception ghanton mein nahi hota, unka time ka perception like with the rising sun
उनसे शुरू होता है, राइट? तो वो टाइम को उस तरीके से परसीव करते हैं, और कईयों में ऐसे भी कैटेगरीज देखी जाती है, दे डोंट हैव अ सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच. लाइक बेसिकली इंग्लिश, इंग्लिश इज अ वेरी सेल्फ सेंट्रिक लैंग्वेज. व्हाई? बिकॉज वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड somebody is ask, somebody asks you कि ओके where's the washroom, ठीक है, तो सपोज द वॉशरूम इज ऑन योर लेफ्ट, तो आप उसको बताएंगे द वॉशरूम इज ऑन माई लेफ्ट. एंड वाई आई एम सेइंग दिस कि आपको ये इंग्लिश में ही हम बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में आप हमेशा खुद को एक सेल्फ सेंटर रह के बात करते हो, एंड यू आर सेइंग मेरे लेफ्ट में है. आई होप आई एम मेकिंग द थिंग्स मच क्लियर नाउ. आप मेरे लेफ्ट में है, आप ये बता रहे हो, ठीक है, कि दैट इज ऑन माई लेफ्ट, और आप अपने परसेप्शन के हिसाब से उसको डायरेक्शन बता रहे हो. बट बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये सेल्फ सेंट्रिक परसेप्शन नहीं होता है, ठीक है, वो उसे इस तरीके से डील नहीं करते हैं. दैट इज़ वाई इट इज सेट कि ये जो अलग अलग कल्चर्स हैं, ये टाइम को भी अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं, और उसी तरह से टाइम इनको इन्फ्लुएंस करता है, राइट? एंड दीज कल्चर्स आर यूजुअली पुट इनटू टू लाइन्स ऑफ सम, दैट इज मोनोक्रॉनिक एंड पॉलीक्रॉनिक. अब ये मोनोक्रॉनिक और पॉलीक्रॉनिक क्या है, इसके हम देख लेते हैं. मोनोक्रॉनिक बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, द पर्सन हु इज बीइंग कंसंट्रेटेड टू अ सिंगल थिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. While as these polychronic culture, जहाँ पे multitasking चल रही है, एक बार में बहुत सारी चीज़ें कर रही है. अब whether that's effective or this is effective, that is another thing, जिससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है. बट ये हम टाइम के कंसेप्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं कि एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्सन इज डूइंग दिस मैनी थिंग एंड दिस पर्सन इज डूइंग दिस मैनी थिंग. तो इसे आप मोनोक्रॉनिक या पॉलीक्रॉनिक कल्चर्स के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं. अब इनमें एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेज है वो हम देख लेते हैं. सो मोनोक्रॉनिक कल्चर जो है, दे डू वन थिंग एट अ टाइम, जबकि आपके पॉलीक्रॉनिक जो है, दे डू मेनी थिंग्स एट वंस. दे कंसंट्रेट ऑन वन जॉब, हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड सब्जेक्ट टू इंटरप्शंस. दे टेक डेडलाइंस एंड स्केड्यूल्स सीरियसली. दे कंसीडर डेडलाइंस एंड स्केड्यूल्स सेकेंडरी. ठीक है, तो आपने अब डिसाइड करना है आप पॉलीक्रॉनिक कल्चर में फॉलो करना चाहते हैं या मोनोक्रॉनिक. कमिटेड टू जॉब, कमिटेड टू पीपल एंड द रिलेशनशिप. देन एडहर रिलीजियसली टू प्लान, चेंज प्लान ऑफन एंड ईजिली. एम्फेसिस प्रॉम्प्टनेस, बेस promptness on relationship, accustomed to short-term relationship, prefer long-term relationship. तो कुछ चीज़ें आपको polychronic में अच्छी लगेगी, कुछ monochronic में, तो आप चाहे तो आप इन दोनों का एक mixture बना के उसको follow कर सकते हैं. That would be much more effective. Then clothing and appearance. Clothing and appearance भी बहुत important role play करता है. If I have to ask you, like you are going for a UPSC interview, तो आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो? Just like have a quick imagination, right? इस तरह से बिल्कुल नहीं देखते. आपने जो अभी इमेजिन किया होगा, यू मस्ट बी लाइक इफ यू आर अ गर्ल, यू आर वेयरिंग अ साड़ी और समथिंग लाइक मच मोर अ डिसेंट इंडियन क्लोथिंग, और अगर इफ यू आर अ बॉय, यू आर वेयरिंग अ काइंड ऑफ एन सूट और समथिंग लाइक दैट. एक डिसेंट आप अपने आप को इमेजिन कर रहे होगे, राइट? आप इस तरीके से नहीं जाओगे. ऑल्दो दिस इज नॉट बैड, दिस इज ऑल्सो क्लोथिंग, राइट? इन्होंने जो भी पहन रखा है, दिस इज ऑल्सो क्लोथिंग, दैट टू अ वेरी कलरफुल क्लोथिंग. लेकिन इट्स नॉट सूटेबल फॉर दी UPSC इंटरव्यू. आप जाएंगे तो UPSC इंटरव्यूअर शायद आपको देख के चौंक जाए, उनका रिएक्शन क्या होता है कहां से. बट ऑफकोर्स यू वोंट प्रेफर टू बी इन दिस वे फॉर एन UPSC इंटरव्यू, एंड दैट इज़ वाई इट इज सेड. और ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर काम से एक डिस्ट्रैक्टेड चीज़ की तरफ इशारा करता है, राइट? एंड दैट इज़ वाई इट विल थ्रो a some very different message, and that is why this clothing and appearance also forms a very important part of your non-verbal communication. I hope this thing is very clear to you. Now non-verbal communication ki kuch characteristics ki hum baat kar lenge. Although aapne abhi tak jo types padhe hai uske basis pe you can definitely, you know, write various characteristics, so I'll just skim through it. There is nothing more onto it. So, non-verbal communications के क्या क्या characteristics हो सकते हैं? Words का usage इसमें नहीं होता है. Of course, आप इसमें facial expression, eye contact, physical proximity, ये सारी चीज़ों को देखते हो. हमने words का use कहीं पर भी नहीं किया. Then ये culturally determined होता है. अलग अलग cultures में अलग अलग type के non-verbal communications हो सकते हैं, right? Then different meanings. ज़रूरी नहीं है कि एक type of non-verbal communication जो एक particular culture में follow हो रहा है और उसकी जो meaning है अलग जगह पे भी वही हो. हमने ओके का एग्जांपल देके भी समझा था, और जापानीज कल्चर में द वे दे बो डाउन वो वाला एग्जांपल भी हमने देखा था. दे आर वेग एंड इम्प्रेसाइज. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज क्वाइट वेग एंड इम्प्रेसाइज बिकॉज देर इज नो यूज ऑफ वर्ड और लैंग्वेज विच एक्सप्रेसेस क्लियर मीनिंग टू द रिसीवर.
See, suppose like you are assuming that everybody in and around you with whom you are communicating in a non-verbal communication, they understand the way you do. लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है द पर्सन विथ विच यू आर कम्युनिकेटिंग वो आपके फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रखता है इज नॉट अ काइंड ऑफ रिलेटेड टू इट दे वोंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली सो दैट इज वाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज समटाइम्स वेक ऑल्सो एंड दे मे कन्फ्लिक्ट विथ वर्बल मैसेजेस डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के एक्सप्रेशन दे रहे हैं ये अगर आपका एक्सप्रेशन और जो आप चीज़ बोल रहे हो सपोज लाइक समबडी गिफ्टेड यू समथिंग ठीक है Or the person who gifted you something is kind of very excited and he asked you, okay, how did you like my gift? So maybe aapko gift pasand nahi aaya hoga, to kahin na kahin it will show on your face. Aap bhale hi bol de, oh wow, it was so nice. But facial expression jhoot nahi bolti hai, ye bhi kaha jata hai. So the person will kind of definitely understand. That is why you can say it may conflict with the verbal message. Then largely unconscious. Of course, aisa zaruri nahi hai ki hum hamesha muh bana ke soch soch ke hi karte hai. कई बार ये बहुत ही प्रॉम्प्ट भी होता है शोज फीलिंग एंड एटीट्यूड्स फेशियल एक्सप्रेशन गेस्चर बॉडी मूवमेंट द वे यू यूज योर आई ऑल कम्युनिकेट योर फीलिंग एंड इमोशंस टू अदर एंड इनफॉर्मैलिटी कई बार नॉन वर्बल आप इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स में अपनी फैमिलीज में अलग अलग फॉर्म्स में यूज करते ही करते हैं तो ये कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट यू कैन राइट द लास्ट टॉपिक इज ऑफ सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज यूज See, this topic is a very open-ended, right? Because we are talking about the language, its usage, and its differences in various cultures. वही सारी चीज़ें आपको overall यहाँ पे cover करनी हैं, alright? And इसी के अंदर we'll see how the Sapir-Whorf hypothesis was given. Then हमने linguistic anthropology के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पहले ही. तो linguistic anthropology और उसी से related और भी सारे बहुत सारे फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक्स एंड इट्स रिलेशन विद द सोशल कंटेक्स्ट हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली ऑलराइट सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देयर वाज अ पियर पेलो एंड गिग्लियोली इन्होंने एक किताब लिखी थी दैट वाज नेम्ड एज लैंग्वेज एंड सोशल कंटेक्स्ट एंड इन विच ही बेसिकली टॉक्ड अबाउट द रिलेशन बिटवीन द वर्ल्ड व्यू ग्रामेटिकल कैटेगरीज एंड सिमेंटिक फील्ड्स दैट इन्फ्लुएंसेस द स्पीच ऑन सोशलाइजेशन एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड देयर इंटरैक्शंस बेसिकली जो लिंग्विस्टिक और सोशल कम्युनिटीज़ के इंटरैक्शंस होते हैं क्या क्या रोल लैंग्वेज प्ले करता है इन सम सोशल सेटिंग्स और जो लैंग्वेज के अलग अलग पार्ट्स होते हैं लाइक द ग्रामर एंड द सिमेंटिक्स एवरीथिंग ही बेसिकली टॉक्ड अबाउट दैट और जो आपकी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है एज वी ऑल नो दे क्लोजली स्टडी दो सोसाइटीज वेयर लैंग्वेज डिफाइन ए कल्चर और सोसाइटी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ही काम ही होता है बिकॉज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी राइट और इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में आप सोसाइटी और उनसे जुड़े कल्चर जैसे हमने पहले भी बात करा हुआ है कि ट्राइबल कल्चर या जो भी लैंग्वेजेस दैट इज नॉट एग्जिस्टेंट इन द रिटन फॉर्म उनके बारे में भी वो स्टडीज करते हैं और जो डेड लैंग्वेजेस हो जाती है या इंडिजिनस लैंग्वेजेस है उनके ऊपर भी वो काम करते हैं सो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर आपको लिखना हो रिलेटेड टू द लैंग्वेज और उनसे रिलेटेड डाइवर्सिटी और सोशल कंटेक्स्ट में उनके इंपॉर्टेंस के बारे में तो यू कैन एनी टाइम मेंशन अबाउट द न्यू गिनिया और यू कैन से पापुआ न्यू गिनिया एंड व्हाई आई एम सेइंग पापुआ न्यू गिनिया क्योंकि पापुआ न्यू गिनिया वर्ल्ड में एक इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ की जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है दैट इज़ फार फार मोर देन एनी अदर कंट्रीज एंड दैट टू विद रिस्पेक्ट टू द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन बिकॉज इफ़ यू सी जो मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्रीज है उसमें पापुआ न्यू गिनिया पहले नंबर पे आता है ऑल्दो इनकी जो पॉपुलेशन है इन 2020 दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल इंडिया कम्स एट द फोर्थ पोजिशन ऑल्दो इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ क्वाइट bigger than in compared to the Papua New Guinea. और Papua New Guinea में आपको almost you'll find like 840 languages. Can you imagine? और India में almost इसके half आप कह सकते हैं और more or less more than that. और overall अगर आप world में देखें तो 7000 के around languages है इसमें से आपको 840 languages तो Papua New Guinea में देखने को मिलेंगे तभी consider ये linguistically कितना diversity यहाँ पर होगी So that is why it becomes a very interesting place for linguistic anthropologists to study
बिकॉज इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है लैंग्वेज में, दैट शो समवेयर कि इनको इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी इवन दो इनकी पॉपुलेशन इतनी कम है. दैट बिकॉज वहाँ पर अलग अलग जो ट्राइब्स होते हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, दे हैव देयर ओन कल्चरल सेटिंग्स इन विच दे प्रेफर सर्टन काइंड ऑफ एन लैंग्वेज. ठीक है, और ये लैंग्वेज थोड़े थोड़े आप कह सकते हैं जोग्राफिकल जो डिस्टेंसेज होंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे बिकॉज पापुआ न्यू गिनी इज़ नॉट अ वेरी वास्ट कंट्री ऑल्सो, राइट. Now, since we know a bit about the linguistic anthropology, there is another field of study that is known as anthropological linguistic. Ab ye anthropological linguistic kya hai? Humne linguistic anthropology to padha. You just, change the sequence of the word and there comes a new meaningful sentence or you can say meaningful word. That is anthropological linguistic. Toh ye anthropological linguistic aapke linguistic branch se relate karta hai. डोंट गेट कन्फ्यूज, जब हम लिंग्विस्टिक की बात करते हैं और जब हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, ये एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक ब्रांच से जुड़ा हुआ है और ये लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी ये एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है. आई होप थिंग्स आर क्लियर. यहाँ पर ये मैंशन भी किया हुआ है कि एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक आपके लिंग्विस्टिक का सब फील्ड है, वाइल द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इज अ सब फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है. इट मे कम इन द एग्जामिनेशन लाइक यू हैव टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन द एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक. ठीक है, ये इतने सारे लिंग्विस्टिक वर्ड्स है, डोंट गेट कन्फ्यूज. आपको फर्स्ट इससे, सेकेंड ये, और मे बी जो थर्ड है ये, इन तीनों के बीच में डिफरेंसिएशन या रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए पूछा जा सकता है. ठीक है, मतलब जस्ट एज अ क्वेश्चन, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं. बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये बहुत ही ओपन एंडेड टॉपिक है, तो वॉट यू हैव टू स्टडी एंड वॉट नॉट वो क्लियरली मैंशन नहीं है. तो यू ट्राई एंड गेट द नॉलेज ऑफ द मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन एंड अराउंड इट. ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक के बारे में भी जान रहे हैं. सो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक एंड सोशल लिंग्विस्टिक आर इंटरेस्टेड इन द कल्चरल एंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज बट डिफर मेनली इन द सिग्नेचर रिसर्च मेथड. अब आप बोलेंगे ये सोशल लिंग्विस्टिक कहाँ से आ गया? डोंट वरी, हम सोशल लिंग्विस्टिक भी क्या होता है उसके बारे में भी आगे देख लेंगे. बट आप ये जान लीजिए कि ये एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक जो कि एक सब फील्ड है लिंग्विस्टिक का, ये सोशल लिंग्विस्टिक से भी डिफरेंट है. ऑल्दो दोनों की जो इंटरेस्ट एरिया है वो कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज ही होती है, लेकिन जो रिसर्च मेथडोलॉजी होती है जो कि आपके नेक्स्ट 8 सेक्शन में आप पढ़ने वाले हैं वो अलग अलग होती है. ऑल्दो हम एग्जैक्टली लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी वो नहीं पढ़ेंगे, बट स्टिल जस्ट टू कोट एज एन एग्जाम्पल. ठीक है, और यहाँ पे आप चाहे तो ये वेन डायग्राम आप एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक को समझाने के लिए यूज कर सकते हैं वाइल यू आर राइटिंग एनी आंसर इन द एग्जामिनेशन. सो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक इज ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक एंड दिस मे डिफर फ्रॉम द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज लिंग्विस्ट विल फोकस मोर ऑन द वे words are formed, for example phonology, vocalization, semantics or the grammar. If you remember in last class there were some general terms like syntax, semantics, ye sari cheeze maine aapko di thi, so wo linguist ke perspective se zyada aap keh sakte hain important hai. In terms of linguistic anthropology wo zyada importance play nahi karti hai, right. एक लिंग्विस्ट विल बी मोर इंटरेस्टेड इन हाउ अ वर्ड इज फॉर्म, हाउ एन आइडियम इज फॉर्म्ड, हाउ ग्रामर इज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस और अ वर्ड, जो भी है उनके इंटरेस्ट एरिया में ज़्यादा होगा, ना कि एंथ्रोपोलॉजिक सॉरी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के. ठीक है, ये एक डिफरेंस आप याद रख सकते हैं. एंड लिंग्विस्ट प्ले क्लोज अटेंशन टू द कोड स्विचिंग. एंड वॉट इज दिस कोड स्विचिंग? वी हैड अ डिस्कशन कि वॉट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द वीडियोज, वेदर इट शुड बी इंग्लिश, वेदर इट शुड बी इंग्लिश हिंदी और वॉट. So that is basically code switching. जब हम English की बात करते हैं that is code switching. When you are like talking in one particular language then just switch on to another language to maybe like convey the meaning properly. और इसी तरह से ये switching चलती रहती है, तो that you can call as code switching. तो जो linguist होते हैं they are concerned with this code switching कि ऐसा क्यों हो रहा है, दो language को mix कैसे किया जा रहा है, whether that is going right or wrong, ये सारी चीज़ें उनके concern area में होती है. लेकिन जो आपके linguistic anthropologist होते हैं ऑल्दो उनको उतना कोड स्विचिंग से फर्क नहीं पड़ता, बस वो कोड स्विचिंग में यही देखते हैं कि हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द पर्टिकुलर सोसाइटी और द कल्चर जहाँ पे भी जिस भी कंटेक्स्ट में वो यूज़ हो रहा है. अदरवाइज टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखें तो उनको कोड स्विचिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसे?
लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को. देन हम एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्ट की बात कर लेते हैं कि इनका कंसर्न एरिया क्या है. आई होप आप सारी चीज़ों को अलग रख पा रहे हैं. ऑल्दो लिंग्विस्ट बहुत सारे चीज़ों में यूज़ हो रहा है, बट डोंट गेट कन्फ्यूज. हम यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्ट, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि इनका कंसर्न क्या रहता है. ठीक है, इनका कंसर्न आप उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, एथनो लिंग्विस्टिक और सोशल लिंग्विस्टिक. रिमेंबर हमने पहले सोशल लिंग्विस्टिक के बारे में बात करी हुई थी, यहाँ पे सोशल लिंग्विस्टिक के बारे में. ठीक है, तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है किसका, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स का. अब एक एक करके हम ये डिस्क्रिप्टिव और ये सारी देख लेते हैं. डिस्क्रिप्टिव की जब आप बात करते हैं, डिस्क्राइबिंग डायलेक्ट्स और द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज बाय स्पेसिफिक स्पीच कम्युनिटी. हम इंडिया का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. इंडिया में आपको पता होगा अलग अलग रीजन वाइज बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होते हैं. लाइक उत्तराखंड में आप देखेंगे देयर इज अ गढ़वाली लैंग्वेज. आप और दूसरे नॉर्दर्न इंडिया में जाएंगे, वहाँ पे आपको कहीं मैथिली देखने को मिलेगी, कहीं ब्रजभाषी देखने को मिलेगी. सो व्हाट आर ऑल दीज, दीज आर ऑल डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स ऑफ व्हाट, हिंदी लैंग्वेज. ठीक है, ये हिंदी लैंग्वेज के डायलेक्ट है. चूंकि ये है हिंदी, आप समझ तो पा रहे हो उसको. ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको उसमें समझ में ना आए. कोई मैथिली बोल रहा हो आपको समझ में ना आए, कोई ब्रजभाषा में बात कर रहा हो आपको ना समझ में आए पूरी तरह से. लेकिन ऐसा नहीं है यू विल फील कम्प्लीटली एलिनेटेड, बिकॉज इफ यू नो हिंदी यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट इन सम और दी अदर फॉर्म. बिकॉज वॉट आर दे आर जस्ट डायलेक्ट, नॉट अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, वहीं अगर आप बात करें उर्दू की, तो उर्दू को लाइक वी कंसिडर एज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज. ठीक है, देन हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक की अगर आप बात करें, सो दे डिस्क्राइब चेंजेस इन द डायलेक्ट एंड द लैंग्वेज ओवर टाइम. कि अलग अलग डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने उर्दू के बारे में बोला, उर्दू को कहीं ना कहीं एट पॉइंट ऑफ टाइम एज अ डायलेक्ट भी मान लिया करते थे ऑफ हिंदी, बट नाउ इट इज काइंड ऑफ इन कंसीडर्ड एज अ सेपरेट लैंग्वेज इन इटसेल्फ. तो ये ट्रांजिशन, ये फॉर्म्स कैसे डेवलप हुए हैं, ये आपके हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के कंसर्न एरिया में आता है. देन हु आर इथनो लिंग्विस्टिक्स, दे एनालाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर, थॉट एंड लैंग्वेज. ये किसके कंसर्न एरिया का होता है, इथनो लिंग्विस्ट का. अब सोशल लिंग्विस्ट क्या करते हैं, ये एनालाइज करते हैं सोशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, कि एक सोसाइटी में लैंग्वेज क्या रोल प्ले कर रहा है. ये कंसर्न एरिया सोशल लिंग्विस्ट का होता है. एंड सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग दी और बिटवीन दी मेंबर ऑफ दी डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज. सो आई होप ये जो कुछ पॉइंटर्स है, दो चार पॉइंटर्स है, आप इतना तो याद रख पाए, बिकॉज ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है. हो सकता है आपको यूपीएससी में पूछ लिया जाए एथनो लिंग्विस्ट पे आप एक शॉर्ट नोट लिखे या सोशल लिंग्विस्ट पे आप एक शॉर्ट नोट लिखे. ज़रूरी नहीं है आपसे यही पूछा जाए दैट एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्ट के कंसर्न एरियाज कौन कौन से हैं और क्या क्या डिविजन्स हो सकते हैं. ठीक है, वाई वी आर स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज इट मे और मे नॉट बी रेलिवेंट गोइंग अहेड. रेलिवेंट तो है ही, चलिए पढ़ाई के पर्पज से, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है. सोशल लिंग्विस्ट के बारे में अगर हम थोड़ी और बात कर ले, सो वेरी सिमिलरली सोशल लिंग्विस्ट कंसीडर अनदर सबसेट ऑफ लिंग्विस्टिक. लाइक एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक भी एक सबसेट है और सब फील्ड है, उसी तरह सोशल लिंग्विस्ट को भी कभी कभी अलग मान लेते हैं. एंड इट्स द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लैंग्वेज इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन. और ये हम सोशल लिंग्विस्ट को अलग से क्यों पढ़े, क्योंकि ये स्पेशली मैंशन है आपके सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज यूज. ठीक है, तो इसीलिए सोशल लिंग्विस्ट के बारे में और भी अगर आपको कुछ चीज़ें पता चलती है, दो चार अगर आपको कुछ अच्छे आर्टिकल्स दिखते हैं, देन यू कैन रीड देम आउट. बिकॉज ये जो कुछ ओपन एंडेड टॉपिक्स होते हैं ना, दे समटाइम्स बिकम नाइटमेयर ड्यूरिंग द एग्जाम, लेट मी टेल यू. एंड दिस सोशल लिंग्विस्ट इंक्लूड द स्टडी ऑफ डायलेक्ट अक्रॉस द गिवन रीजन एंड द एनालिसिस ऑफ द सेम पीपल मे स्पीक टू इच अदर इन सर्टन सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, एट अ फॉर्मल ओकेजन, स्लैंग बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली और द मैनर ऑफ स्पीकिंग दैट मे चेंज बेस्ड ऑन द जेंडर रोल्स. ये हम सभी ने ऑब्जर्व किया ही है कहीं ना कहीं अपने एक पॉइंट ऑफ लाइफ में. एंड एडिशनली हिस्टोरिकल सोशल लिंग्विस्ट विल एग्जामिन लैंग्वेज विल शिफ्ट फ्रॉम एंड चेंज दैट ओवर टाइम एंड सोसाइटी. सो बेसिकली यही सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पहले बात कर ली है उसी को यहाँ पे फिर से बताया गया. देन ये जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट है उसके एग्जाम्पल में आप ये वाली चीज़ मैंशन कर सकते हैं. हिस्टोरिकल सोशल लिंग्विस्ट के एग्जाम्पल में आप ये डाल सकते हैं, जब आप ओल्ड इंग्लिश की बात करते हैं जो 5th सेंचुरी के टाइम पे यूज़ होती थी, तो आज जो आप यू बोलते हो वो यू नहीं, वो पहले तो यूज़ हुआ होता था. ठीक है, और इवेंचुअली इट शिफ्टेड एंड रिप्लेस द वर्ड यू. तो आज के प्रेजेंट डे में हम यू जानते हैं, अगर आपसे तो कोई बोले तो यू नेवर नो. ठीक है, आपको नहीं पता होगा, हो सकता है भले ही इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जहाँ पे वो इसके बारे में जानते हो उनको पता हो, बट हमें
at present, what we are speaking in India, we are not at all anywhere knowingly or unknowingly know about this thought. ठीक है, तो ये किसके फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर आता है? हिस्टोरिकल सोशल लिंग्विस्ट. तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर आपको लिखना हो तो आप ये वाला एग्जाम्पल मैंशन कर सकते हैं. देन द डायलेक्ट सोशल लिंग्विस्ट विल एग्जामिन वर्ड दैट आर यूनिक टू द रीजन लाइक रीजनलिज्म. इन टर्म्स ऑफ अमेरिका रीजनलिज्म फॉकेट इज यूज इन नॉर्थ वाइल एज स्पीगोट इज यूज इन साउथ. और जो सोशल लिंग्विस्ट है, सोशल लिंग्विस्ट आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया में भी बहुत बार ऐसा होता है फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देर आर डिफरेंट वर्ड्स बाय विच यू काइंड ऑफ यू नो कंसीडर इट इन डिफरेंट रीजन्स. जैसे आपके साउथ इंडिया में कुछ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी और नाम से बुलाते हैं और नॉर्थ इंडिया में किसी और नाम से बुलाते हैं, राइट? तो ये भी आपके सोशल लिंग्विस्ट के अंदर ही आ जाता है. दीज आर लाइक ऑल एग्जाम्पल्स जो आप मेंशन कर सकते हैं. और भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए, तो ये अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम्पल्स है जहाँ से मैंने लिए. तो आप चाहे तो इंडियन पर्सपेक्टिव से भी आप दो तीन इंडियन रीजन स्पेसिफिक नेम्स ढूंढ सकते हैं और उसका जो भी उसके कॉन्ट्रास्टिंग रीजन में उसे जो बोला जाता है वो सारे एग्जाम्पल्स यूज कर. Now let's understand what could be the various dimensions in which the sociolinguist study the language in the social context. So, ये external versus internal language के form में भी हो सकता है. They might wanted to understand what a person or how a person is communicating while being in a group, in a society, and how he is perceiving that thing. कभी-कभी ये भी होता है जो हम बोल रहे होते हैं, we didn't mean it, right? तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, बीइंग इन अ सोसाइटी, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, ये सारी चीज़ें, यानी कि कैसे वो लैंग्वेज को परसीव कर रहा है कोई एक इंडिविजुअल, वो भी सारी चीज़ें हम सोशल लिंग्विस्ट के आप कह सकते हैं डोमेन एरिया में आती है और इनके एक वन ऑफ द डायमेंशंस में से है. ठीक है, देन स्पीच कम्युनिटी. सोशल लिंग्विस्ट जो भी स्पीच कम्युनिटी है, वो जहाँ भी जिस भी सेटिंग्स में जिस भी कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हैं वो उसके बारे में भी कंसर्न होते हैं. लाइक लैंग्वेज को लेकर कंसर्न तो होते हैं, लेकिन वो स्पीच कम्युनिटी, बिकॉज आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप ऊपर ऊपर से उसको नहीं समझ सकते. यू नीड टू नो इन एंड अराउंड इट, राइट? कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू बेटर कंक्लूड ऑन थिंग्स. एंड दैट इज वाई दे ऑल्सो स्टडी दी स्पीच कम्युनिटीज. देन प्रेस्टीज, क्योंकि लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपके प्रेस्टीज से भी जुड़ी होती है. सो दैट इज वन ऑफ द पार्ट दैट इज बींग स्टडीड बाई द सोशल लिंग्विस्ट एज दी पार्ट ऑफ सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज यूज. ठीक है, क्यों प्रेस्टीज के चीज़ों को लेके देखते हैं? बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स, अगर आप देखेंगे जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, अगर वो आप कह सकते हैं कि सपोज देयर इज अ बेगर, ठीक है, तो बेगर बोल रहा है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, सपोज, तो वो आप देखेंगे कि कोई एक बहुत बड़ा इंसान है और कोई एक रईस इंसान है, ही वुड नेवर से लाइक दैट, राइट? अगर उसको फ्री में भी कुछ चीज़ चाहिए होगी तो वो ये नहीं बोलेगा, बिकॉज वो उसके प्रेस्टीज से, उसके सोशल स्टेटस को बिल्कुल मैच नहीं करता. व्हाई? बिकॉज दैट इज परसीव्ड टू बी स्पोकन बाय अ बेगर, नॉट बाय समवन हु इज वेरी रिच. हो सकता है जो बहुत रिच है, कभी कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है जिसके लिए उसको किसी के आगे हाथ फैलाना हो, लेकिन वो इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करेगा. एंड द वेरी वेल सिचुएशन दैट यू कैन से इज द कोविड क्राइसिस राइट नाउ. अभी those who are having money, those who are having not, like more or less, कहीं ना कहीं power is dominating everything, right? तो हो सकता है आपके पास पैसा हो, आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े for the oxygen cylinder, that might happen. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ये बोलेगा कि अच्छा भगवान के नाम पे मुझे दे दे oxygen का cylinder, it won't be like that, right? So that is what. Then a social network. Understanding the language in society means one also have to understand the social network. कि आप किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, किस टाइप का सोशल कंटेक्स्ट है. आप फ्रेंड जोन में बात कर रहे हैं तो अलग टाइप का कम्युनिकेशन होगा. आप फैमिली में बात कर रहे हैं तो अलग टाइप का नेटवर्क कम्युनिकेशन होगा. देन यू आर टॉकिंग अबाउट दी ऑफिस कलीग्स, तो अलग टाइप का होगा. इवन ये तो आप सोशल सेटिंग्स जो फिजिकल फॉर्म में बात कर रहे हैं, इवन इन दैट मैटर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल वर्ल्ड ऑल्सो, आप ट्विटर पर बात कर रहे हैं तो देर आर लाइक लिमिटेड फिक्स्ड कैरेक्टर्स इन विच यू हैव टू टेल योर word, sorry, tell your feelings or tell whatever you wanted to say out to the world, right? तो ये अलग अलग limitations होते हैं अलग अलग जगह, तो ये भी एक point of concern होते हैं for social linguist to understand the society. Then class differences. Class and occupation are the among most important linguist marker found in the society. Class and language are variety are related and the number of working class people tend to speak
less standard language, while the lower middle and the upper class will in terms closer to the standard language. तो ये हमने जो अभी example beggar वाला देखा था, more or less class differences, prestige, ये एक दूसरे के overshoot ही है, ठीक है? तो आप चाहे तो इसी type का कुछ example आप भी सोच सकते हैं, and then you can explain it well. Although class differences और prestige एक सही है. Then class aspiration. अब ये class aspiration क्या है? तो इसमें आप mention कर सकते हैं about William Labo. विलियम लैबो कौन थे? ही वॉज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट. इन्होंने 1960s में स्टडी करी थी, एंड आई हैव शोन दैट द सोशल एस्पिरेशन इन्फ्लुएंसेस स्पीच पैटर्न. एक नेता वो किसी अलग तरीके से बोलेगा, एंड ऑन द अदर हैंड अ मोटिवेशनल स्पीकर ही विल स्पीक इन अ वेरी डिफरेंट वे. अ टीचर ही विल स्पीक इन अ डिफरेंट वे. लाइक दैट कि आप जिस भी जगह पहुँचना चाहते हो, एक स्टैंड अप कमेडियन, उसके बोलने का तरीका अलग होगा, राइट? और ऑल दो इवन इफ अगर आप तीनों को एक ही स्क्रिप्ट दे दे एंड यू से कि आप तीनों को ये बोलना है टू योर ओन ऑडियंस, उनके बोलने का जो तरीका होगा वो बहुत अलग होगा. क्यों? बिकॉज दे वॉन्टेड टू अचीव सर्टन पोजिशन. एक पॉलिटिशियन वो ऑफकोर्स यही चाहेगा कि वो आगे चल के जो इलेक्शन जिसमें वो पार्टिसिपेट करा, ही वॉन्ट दैट इलेक्शन, राइट? सिमिलरली अ स्टैंड अप कॉमेडियन विड वॉन्ट पीपल टू लव वट एवर ही सेइंग. तो उनकी एक अपनी एस्पिरेशंस होती है, एंड एंड दैट वे ओनली दे ट्राई एंड प्रेजेंट वट एवर दे हैव टू प्रेजेंट वट एवर दे हैव टू स्पीक. एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू ऑफ क्लास एस्पिरेशन. इन द प्रोसेस ऑफ विशिंग टू बी एसोसिएटेड विद अ सर्टन क्लास, पीपल हु आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन सोशियो इकोनॉमिकली विल एडजस्ट देयर स्पीच पैटर्न टू साउंड लाइक देम. इसका एक और एग्जाम्पल है, इफ यू हैव वॉच द एस्पिरेंट सीरीज ऑफ TVF, although अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं. तो उसमें देर वॉज अ कैरेक्टर संदीप भैया, ठीक है? तो ही वॉज स्टेट हरियाणवी एट द बिगिनिंग, एंड इवेंचुअली एज द सीरीज मूव्ड ऑन, जब ही बिकम एन XCS ऑफिसर बेसिकली, सो देन ही चेंजेस कम्प्लीटली इन टर्म्स द वे ही स्पीक. वो पहले बिल्कुल ठेठ हरियाणवी बोलते थे, आप वैसे देख सकते हैं. अर्लियर ही वॉज लाइक रणदीप हुडा, एंड इवेंचुअली ही ट्रांसफॉर्म्ड इन टू शाहरुख खान, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो वो क्यों हुआ? बिकॉज वो सोशियो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं एक मूव ऑन किया उन्होंने. पहले वो एक एस्पिरेंट थे फ्रॉम हरियाणा, हैविंग सम डिफरेंट बैकग्राउंड. नाउ ही इज एन HCS ऑफिसर इन हरियाणा, हैविंग अ डिफरेंट बैकग्राउंड. दैट इज वाई लाइक ही काइंड ऑफ चेंज द वे ही स्पीक, ठीक है? तो ये क्लास एस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द वे यू आर स्पीकिंग टू. नाउ लेट्स ब्रीफली टॉक अबाउट वॉट इज सोशल लैंग्वेज कोड. So, ये social language code, the concept was given by Basil Bernstein, that you need to know. And who was he? He was a British social linguist. और इन्होंने ये वाला जो concept है, ये कब दिया था? He gave this concept in his book, Elaborated and Restricted Codes. Coming directly to the topic, ये restricted or elaborated code क्या है? तो इनका ये मानना था that every member of a particular class have different a set of way in which he or she organizes their speech. यानि कि आप एक family setting में अलग से तरीके से organize करेंगे और एक work setting में अलग से organize करेंगे. तो this is completely general. हम यही चीज़ तो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, right? So ये restricted code क्या हो जाएंगे फिर? Restricted code वो code जो एक working class use करता है, while as elaborated code वो हो जाएंगे जो आपके middle या upper middle class ये जो language use करते हैं to gain access to education and career advancement, right? तो इसको आप differentiate करके अगर कहीं पूछ लिया जाता है, then you can write the shorthand speech, short simple sentences is known as restricted code. और वहीं elaborated code जो आपके होते हैं वो detailed, explanatory, illustrative, analytical और जिनकी meaning explicit होती है, ये elaborated code होते हैं, ठीक है? तो इनके examples आप कहाँ पे use होते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, जो कि है कि मिडिल अपर क्लास मिडिल जो लैंग्वेज या एजुकेशन करियर एडवांसमेंट के टाइम पे आप यूज करते हैं, दे आर ऑल कैटेगराइज्ड एज इलैबोरेट. लैंग्वेज एंड इट्स इन्फ्लुएंस. किस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर? लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस कल्चर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर और वाइस वर्सा, ठीक है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है आपको वो कहाँ पे देखने को मिलेगी? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी. जितनी कल्चरल डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगी, बिकॉज अल्टीमेटली लैंग्वेज इज सम और द अदर वे influenced by the culture, right? Here you need to remember one name while writing more about the language, culture and its impact is the American anthropologist known as Overton Brent Berlin. So in ke hisab se the increase in the number of word increase the cultural complexity. Also language reflect cultural situation
and the socialization process of a child is also influenced by language. The status of people, their living condition, their environment and the way of sustenance can be understood through language. आप इसको एग्जाम्पल से अगर समझना चाहते हैं तो ऐसा समझ सकते हैं, इफ़ यू माइट हैव नोन अबाउट द फिशरमैन कम्युनिटी, देन द फिशरमैन कम्युनिटी दे स्पीक इन अ वेरी डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट टोन. नॉट जस्ट फिशरमैन कम्युनिटी, आई एम जस्ट टेकिंग दैट एज एन एग्जाम्पल, बट देयर आर वेरियस अदर सस्टेनेंस कम्युनिटीज जो एक अलग लहजे में बात करते हैं, अलग तरीके से बात करते हैं. And that is how you can say कि okay, this belongs to this particular community, right? So ये कैसे पता चला आपको, even though you don't know anything else about them, just the way they are speaking to, right? तो यानी कि कहीं ना कहीं उसकी language से आपको उनके society, उनके culture के बारे में पता चल गया. And the study of the relationship between the language and culture and how they are mutually influence each other is examined under the sub-discipline known as ethnolinguistics. जो हमने anthropological linguistic के अंदर देखा था उनके concern area में, here it is ethnolinguistic, and it examine how language reflect the traditional natural environment. ये जो आपके ethnolinguistic है, in their interaction with the group under study, learn to understand the prevailing socio-cultural conditions. Overall, ethnolinguist क्या करते हैं, socio-cultural जो situations है उसको study करते हैं, and जो ये relationship है between the language and culture, इसको और समझने के लिए हम कुछ pointers देखेंगे आने वाले slides में, उससे आपको और भी ज़्यादा clear हो जाएगा, और you can basically substantiate if you have to ask to write the relationship between culture and language. ठीक है, जो भी हम आने वाले slides में जितने भी points देखेंगे उसको आप use कर सकते हैं to establish a relation between these two. Language influence human thought. How language influence human thought? आप इस particular flow chart को देखिए, आपके language, thought और culture, किसी भी एक particular चीज़ को perceive करने के लिए all these three play a very synchronized role, you may say. लैंग्वेज से आपको क्या पता चलेगा, किसी भी लिंग्विस्टिक नॉलेज के बारे में पता चलेगा. देन थॉट, आपकी कुछ मेंटल एक्टिविटी चलेगी. देन कल्चर, आपके कल्चर से इन्फ्लुएंस होके आप कुछ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज है जो आपने गेन की होगी इन योर ओन कल्चर, यू विल यूज दैट एज वेल, एंड अल्टीमेटली इट विल गेट प्रोसेस्ड इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैनर, और जिससे अल्टीमेटली एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा. ऑलराइट, so that is what the importance of language thought synchronization is in culture, right? Then some linguists even say that the language actually determine thought, ki aapka language jis tarike se hai aapka thought process bhi usi tarike se chalta hai. Then it also shapes behavior and culture. कौन, जो आपके लैंग्वेज है. द कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस इज ओवरलुक्ड इन टर्म ऑफ लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म. अब ये लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म क्या है, इसके बारे में आगे चल के हम डिटेल में जान लेंगे जब हम सैपिर और वूल्फ हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो ये वाला जो कंसेप्ट है आपको इसी के अंदर काम आएगा. एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द रिसर्च ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड सैपिर एंड हिज स्टूडेंट अमेरिकन लिंग्विस्ट बेंजामिन वूल्फ. अभी एडवर्ड सैपिर, हमने इतनी बार इनका नाम ले लिया, ये थे कौन एक बार जान लेते हैं. ये अमेरिकन लिंग्विस्ट थे जो कि फ्रांसिस बॉयस के स्टूडेंट थे. फ्रांसिस बॉयस, आई होप आपको अभी तक इनका नाम पता होगा. एंड स्टूडेंट अमेरिकन लिंग्विस्ट बेंजामिन वॉल्फ. तो एडवर्ड सैपिर और ये जो वॉल्फ थे ये इनके स्टूडेंट थे. एक और चीज़ है जो सैपिर एंड वूल्फ हाइपोथेसिस है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, वो इन दोनों ने कहीं साथ चल के ऐसी कोई हाइपोथेसिस नहीं दी थी. ठीक है, तो बेसिकली दैट नेम इज पर्टिकुलरली अ मिसनोमर, क्योंकि जनरली जब हम दो लोगों की ऐसे साथ में नाम की बात करते हैं तो कुछ लगता है उन दोनों ने साथ मिलके कुछ किया होगा, बट यहाँ पे केस में ऐसा कुछ नहीं है. ऑल्दो वो हमारे कंसर्न एरिया से भी कोई रिलेट नहीं रखता. एंड बेस्ड ऑन देयर रिसर्च दे प्रपोज द सैपिर एंड द वूल्फ हाइपोथेसिस इन विच दे प्रपोज हाउ लैंग्वेज डिटरमाइन ह्यूमन थॉट. किस तरह से लैंग्वेज ह्यूमन थॉट को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, यही हम सैपिर और वूल्फ हाइपोथेसिस में देखेंगे. For example, if a language has no word to denote snow as used in English, then a person brought up in that culture cannot think of snow as it is implied in English. Because we know ki snow kya hota hai, we know water kya hota hai. Ho sakta hai kisi aur language mein wo us cheez ko alag tarike se bolte ho, alag tarike se perceive karte ho. Right? To jaise hi aap snow sunte ho, aapke dimag mein ek snow ka feature develop hona shuru ho jata hai. Because वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस और हमारे लिंगुआ फ्रांका से, सॉरी हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड है. दस लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म प्रपोजेज दैट द लैंग्वेज टू सम एक्सटेंट डिटरमाइन द वे वी थिंक अबाउट द वर्ल्ड अराउंड. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म क्या करता है,
तो ये दो लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देता है, ऑल द आगे डिटेल में भी देख लेंगे। तो बेसिकली लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म ये डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से आप अपने लैंग्वेज के वजह से अपने आसपास की चीज़ों को परसीव करते हैं, किस तरीके से परसीव करते हैं। एज द थॉट पैटर्न चेंज द कल्चरल सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। देन लैंग्वेज इंडिकेट सोशल रोल एंड स्टेटस। ये भी एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि लैंग्वेज के हिसाब से आपके जो भी लोकल लैंग्वेज होगा वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिनोट करता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से डिनोट करता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से देख लेते हैं। लाइक इन लोकल लैंग्वेज देयर मे बी डिफरेंट वर्ड टू डिनोट डेथ ऑफ अ पर्सन। द यूज़ ऑफ दीज टर्म्स मे वेरी अकॉर्डिंग टू कास्ट, जेंडर, एज और सोशल स्टेटस। जनरली द जजेस इन कोर्ट आर ऑनरेबली एड्रेस्ड एज योर ऑनर, बट इफ द जजेस हैव अ हायर टाइटल द पोजिशन विल बी रिस्पेक्टफुली एड्रेस्ड बाई यूजिंग द टर्म योर लॉर्डशिप। ऑल्दो योर लॉर्डशिप हम इंडिया में कम ही यूज़ करते हैं, बट आप देखेंगे और दूसरे यूके या अदर कंट्रीज में दे माइट यूज दिस टर्म। लाइक ए क्विंग, किंग, किंग या क्वीन या एम्परर और एम्प्रेस जो होते हैं इज एड्रेस एज हिज और हर मेजेस्टी। इंडिया में हमारे यहाँ पे आपको क्वीन या एम्परर नहीं मिलेंगे तो इसलिए हम नहीं जानते, बट आपने सुना होगा दी मेजेस्टी आप बात कर रहे हो जब क्वीन एलिजाबेथ की, तो उनके लिए अक्सर यूज़ किया जाता है। बट द रूलर बिलो द रैंक ऑफ किंग एंड क्वीन इज एड्रेस्ड एज हिज और हर हाइनेस। जापानीज यूजेज द डिफरेंट वर्ड फॉर वाटर बाय मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये भी अलग अलग कल्चर में जो आपका सोशल रोल है कि आप मेल है या फीमेल है, आप किस चीज़ को कैसे बोलेंगे, तो ये सारी चीज़ें लैंग्वेज कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। देन कल्चर इन्फ्लुएंस बेसिक वोकैबुलरी ऑफ लैंग्वेज। तो ये भी बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है लेकिन आप इसको एग्जाम्पल के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक बहुत से अलग अलग लैंग्वेजेस जो होते हैं, इन ऑल लैंग्वेजेस दे हैव मेनी डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस कलर वेरिएशंस। इन इंग्लिश वर्ड रिप्रेजेंटिंग सम बेसिक कलर जो हम जानते हैं, वाइट, ब्लैक, लेकिन हो सकता है किसी और लैंग्वेज में वो किसी अलग तरीके से उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हों, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, उस पर्टिकुलर जगह की कैसी है, वो अपनी वोकैबुलरी उसी तरह से डिफाइन करते हैं। हो सकता है किसी लैंग्वेज में यू विल फाइंड अलॉट मैनी वोकैबुलरीज, किसी किसी लैंग्वेज में आप देखेंगे कि बहुत लिमिटेड वोकैबुलरीज होती हैं उनकी, राइट। और लिमिटेड वोकैबुलरी होती है तो उसको सीखना थोड़ा ज़्यादा आसान हो सकता है मे बी। एंड इन मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में एक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ बेसिक कलर वर्ड्स बिकॉज दे हैव मोर डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट दैट आर इफेक्टिवली डिस्टिंग्विश्ड बाई कलर। तो ये कॉम्प्लेक्स और जब हम सिंपल सोसाइटीज़ की बात करते हैं और वहाँ पर कैसे वोकेबलरी एक रोल प्ले कर सकती है, कैसे वोकेबलरी डाइवर्स और सिंपल हो सकती है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, दिस अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में चीज़ें भी बहुत सारी होंगी। कॉम्प्लेक्स से हमारा मतलब क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी टाइप की अलग अलग चीज़ें, लाइक प्रेजेंट सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बिकॉज देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एंड अराउंड अस अदर देन द ह्यूमन बीइंग, राइट। आपने ह्यूमन बीइंग ने बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंशन किया है, बनाया है, आए दिन कुछ ना कुछ आता रहता है, तो एक अलग अलग आप देखते हैं कि वर्ड यूज़ होता है उन सभी चीज़ों के लिए। और अगर आप देखना चाहें कि हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनमें भी बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे एब्रीविएशंस यूज़ होते हैं टू डिनोट ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग, और वो उतने ही कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। और वो उतने कॉम्प्लेक्स क्यों होते जाते हैं? बिकॉज दे हैव टू डिनोट दैट पर्टिकुलर थिंग इन दैट पर्टिकुलर वे, दैट इज़ वाई दे आर कमिंग अप विद सो मच ऑफ एब्रीविएशंस, राइट। और वो बहुत ही सटीक होते हैं ऑल दो। तो ये जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी सोसाइटी की, वोकेबुलरी भी उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। तो ये कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ों से। देन लैंग्वेज हेल्प टू शेयर कल्चरल सिंबल। वन ऑफ द फीचर ऑफ द कल्चर इज इट्स नेचर ऑफ शेयर्ड प्रैक्टिसेस। टू इंश्योर दिस शेयरिंग इन सोसाइटी वी रिक्वायर द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। वी लर्न द बिलीव एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अवर कल्चर थ्रू लैंग्वेज। ऑफकोर्स ये कल्चरल सिंबल इसलिए प्ले करता है बिकॉज आप किसी लैंग्वेज के हेल्प से ही अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको कुछ चीज़ें पास ऑन करते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या किसी भी अदर फॉर्म में हो, सिम्बॉलिक फॉर्म में आप रख रहे हैं ताकि वो इंटरप्रिटेट कर पाए। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये पॉसिबल इस वजह से हो पाती हैं क्योंकि आप लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि लैंग्वेज कल्चरल व्हीकल के तौर पर यूज़ होता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग। देन लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ एकल्चरेशन एंड इनकल्चरेशन। एकल्चरेशन और इनकल्चरेशन हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है तो इसके बारे में आप को ज़्यादा समझाने की मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत है। एंड लैंग्वेज इज़ अ व्हीकल ऑफ कल्चर, जो हमने यहाँ पे बात की, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप इंटरमिक्स करके भी यूज़ करके लिख सकते हैं। Now let's talk about the Sapir and the Wolf hypothesis. It was given by Edward Sapir and his student Benjamin Wolf. और ये जो एडवर्ड सैपीर थे, he was a student of Francis Boyce. So
सो बेसिकली एडविन सापी ने कुछ रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन अपने एंड पे शुरू कर दिए थे एंड लेटर ऑन ही वॉज जॉइंड बाई हिज स्टूडेंट दैट इज बेंजामिन वुल्फ एंड ये 1950s के अराउंड का टाइम है. सो आपको दो चीज़ें दिमाग में रखनी टू अंडरस्टैंड दिस हाइपोथेसिस वेल. फर्स्ट थिंग फर्स्ट वॉज कि इन दोनों ने साथ मिलकर के कोई एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च नहीं किए थे, तो बेसिकली ये नेम ही एक मिसनॉमर है आप ये मान के चलिए. ये दो अलग अलग वर्जन्स के साथ आए थे और कहीं ना कहीं इन्होंने कोलैबोरेट किया देन. ठीक है, तो दोनों के अलग अलग वर्जन्स को नाम दिया गया है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस एंड द वीक हाइपोथेसिस. ऑल्दो लिटरली पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्ट नहीं है, ये समझने के लिए अलग अलग साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे डिवाइड किया है. ये स्ट्रॉन्ग या वीक इन दोनों की तरफ से नहीं दिया गया था. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा. अब ये स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस क्या है? स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस को आप लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं. सो बेसिकली दिस इज अ कंसेप्ट गिवन बाय द सैपीर. और जो वीक हाइपोथेसिस है उसे हम लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी कहते हैं, दैट वॉज गिवन बाय वुल्फ. तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे दैट दिस सैपीर एंड द वुल्फ हाइपोथेसिस इज ऑल्सो नोन एज द हाइपोथेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, बिकॉज ये जो वीक हाइपोथेसिस है इट वॉज काइंड ऑफ एन एक्सेप्टेड वन. एंड जो ये आपका लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म वाला है जो कि सैपीर के द्वारा दिया गया था, दैट वॉज रिजेक्टेड. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट ये लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म क्या है और लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी क्या है. वेन वी टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, सो बेसिकली इट सेज दैट द लिंग्विस्टिक द लैंग्वेज डिटरमाइंस कि हम कैसे सोचते हैं, हाउ डू वी थिंक, हाउ डू वी परसीव थिंग्स इन अ वर्ल्ड वाइड व्यू. और आपकी जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है दिस सेज दैट द लैंग्वेज इन्फ्लुएंस हाउ वी परसीव द वर्ल्ड वाइड व्यू. तो आपको यहाँ पे दो वर्ड्स याद रखने हैं, वन इज टू डिटरमाइन. डिटरमाइन कौन कर रहा था? लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट कहता है कि लैंग्वेज डिटरमाइन करता है, वेर एज जो आपकी लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी कहती है कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, एंड इफ एनी पर्सन हु हैज अ विजडम ही कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंस तो कर सकता है लेकिन क्या डिटरमाइन करेगा पूरी तरीके से. ऑल्दो साइंटिफिक कम्युनिटी का भी यही मानना था जो आप सोच रहे हो, एंड दैट इज हाउ दे डिड वेरियस अदर एक्सपेरिमेंटेशन टू डिसप्रूव दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस. ठीक है, इसको रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए. और डिटर्मिनिज्म क्या है, रिलेटिविटी क्या है, अगर आपको डिफिनेशन एज इट इज देनी है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. देन स्ट्रॉन्ग वर्जन और वीक वर्जन में मैंने आपको पहले ही बता दिया, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, नथिंग न्यू. सो अब जो ये स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस था ये क्यों ट्रू नहीं हो सकता है? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी ऑल नो दैट यू कैन लर्न एनी नंबर ऑफ लैंग्वेज एज यू वॉन्टेड टू. आपको मैंने बताया था बहुत सारे ऐप्स होते हैं, आपको भी पता है. सो बहुत सारे ऐप्स होते हैं, यू कैन लर्न वेरियस लैंग्वेजेस फ्रॉम देयर. इवन आर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो ऑफर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट? तो इट्स नॉट काइंड ऑफ एन कम्प्लीटली unimaginable that somebody can speak so and so languages. But suppose in other way, suppose that you being an Indian, you can understand Hindi or any other language that is being spoken in India very well, but you wanted to learn Chinese, aapne Chinese seekhi, and once you learn Chinese, do you start behaving in the way Chinese does? Right? Aap aisa nahi karenge. Aap apni jo aapki bhartiya sanskriti hai, like the Indian culture that is there, you will stick to that. It doesn't mean that you learn Chinese, you'll start behaving in Chinese way, right? Same goes with any other language, chahe wo Chinese ho, chahe wo aapke French ho, German ho. Why I'm not saying English? Because English ek alag hi ho jata hai. English, it's kind of an universal language. Aapko aaj ki date mein bahut sare log milenge jo English bolte hai aur usko perceive karte hai. To wo koi ek individualistic country ko represent nahi kar raha hai, kahin na kahin, right? But in case of languages such as German, French, Chinese, ये किसी particular country, culture को represent करती है. तो ऐसा तो नहीं है कि आप उस language को आपने सीख लिया तो आप उनके जैसा behave करोगे. यानी कि आपका language पूरी तरह से determine नहीं कर रहा है that how you are going to behave. Getting my point? तो इस तरीके से आप इस जो strong hypothesis थी उसको disapprove कर सकते हो. And that is what like a scientist did. उन्होंने भी यही बोला कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसके वजह से तो आप ये कहना चाह रहे हो दैट कोई दूसरी लैंग्वेज सीख ही नहीं सकता, और सीखेगा तो वो पूरी तरह से उसके कल्चर में ढल जाएगा. एंड सेकेंड थिंग इज द थिंग दैट यू सी दैट देर आर वेरियस ट्रांसलेशंस गोइंग ऑन. तो ये ट्रांसलेशंस भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे बिकॉज आप ट्रांसलेशन करने के लिए आपको यू हैव टू बी
in their shoes, like the culture that you are translating, you have to be in their shoes. You cannot overemphasize or superimpose your own thought process into that, right? तो ये सारी चीज़ें तो हो नहीं पाती अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस सही हो जाती तो, इसीलिए उसे डिसअप्रूव कर दिया गया. ऑल्दो क्रिटिसाइज बाय फॉर्मलिस्ट, अब हम बात कर लेते हैं वीक हाइपोथेसिस की. इसको फॉर्मलिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था, कुछ फॉर्मलिस्ट के आप नाम मेंशन कर सकते हैं, इन्होंने उसे क्रिटिसाइज किया था, बट लेटर ऑन इट वॉज काइंड ऑफ एन यू कैन से एक्सेप्टेड वन, कि इन्फ्लुएंस तो कर सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसे ही नहीं माना गया. कुछ एम्पेरिकल रिसर्च भी किए गए, कुछ एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट किए गए, और बेस्ड अपॉन दैट इस हाइपोथेसिस को कहीं ना कहीं आप कह सकते अप्रूव किया गया. अब ये एक्सपेरिमेंटेशन क्या थे, इट वॉज बींग कंडक्टेड बाई के एन केम्प्टन. इफ यू वॉन्टेड आप लिख सकते हैं दैट के एन केम्प्टन कंडक्टेड एन एम्पेरिकल स्टडी टू सी वेदर द वीक हाइपोथेसिस होल्ड्स ट्रू और नॉट. तो वॉट डू दे डिड, इन्होंने दो ग्रुप्स लिए, दो मोनोलिंगुअल पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो कोई एक लैंग्वेज बोल सकते हैं, अदर देन दैट वन लैंग्वेज दे डोंट नो एनी अदर लैंग्वेज, एंड दीज वेर सम इंग्लिश स्पीकर्स एंड दी तारहमारस. तारहमारस बेसिकली नॉर्दर्न मेक्सिको के कुछ ट्राइब्स हैं एंड दे स्पीक दिस लैंग्वेज. और इंग्लिश और तारहमारस में एक डिफरेंस जो ये था दैट इंग्लिश, इन इंग्लिश लैंग्वेज लाइक वी अंडरस्टैंड इंग्लिश, वी नो इंग्लिश, सो वी नो कि ये ग्रीन कलर है, ये वाला जो है दिस इज़ द लाइट ब्लू, दिस इज़ डार्क ब्लू, राइट. हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं. इन वेरियस अदर लैंग्वेजेस आल्सो यू विल सी कि वो एक ही कलर के शेड के भी अलग अलग उनके नाम होते हैं. हम भी ब्लू का भी कुछ और हम जानते हैं, लाइक शेन हो जाएगा आपके मेजेंटा, ये सारे कहीं ना कहीं ब्लू का ही एक पार्ट निकल के आते हैं, राइट. लेकिन जो ये तारा हमारा थे, इनके पर्टिकुलर आप कह सकते हैं लैंग्वेज वोकेबुलरी में देयर एग्जिस्ट अ वर्ड दैट इज नोन एज सेओनेम, जिसका मतलब ग्रीन या ब्लू होता है, ठीक है. ग्रीन या ब्लू के लिए अलग अलग नहीं, दोनों के लिए एक ही सिंगल वर्ड यूज होता है, दैट इज द सेओनेम. वो ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है. अब इन दोनों ग्रुप्स को बोला गया दैट यू हैव टू सेपरेट चिप्स बेस्ड अपॉन द कलर, ठीक है. डिफरेंट कलर्स के अकॉर्डिंगली आपको चिप्स को सेपरेट करना था. अब इसमें पॉसिबल क्या हुआ, जो रिजल्ट के जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए, इसमें जो इंग्लिश स्पीकिंग थे उन्होंने तो चिप्स को बहुत अच्छे से शॉर्ट कर दिया, बिकॉज दे नो लाइक विच इज़ ग्रीन, विच इज़ लाइट ब्लू, विच इज़ डार्क ब्लू, राइट. उन्होंने सेपरेट कर दिया. बट फॉर तारा हमारा, उनके लिए तो जो सीओ नेम था, क्योंकि इनको ये तो नहीं बताया गया ना ग्रीन ब्लू डार्क ब्लू को सेपरेट करो, इनको बताया गया दीज आर द कलर्स, यू नीड टू सेपरेट देम इन दिस थिंग, सो वट एवर दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तारा हमारा को तो बस सीओ नेम का मतलब ग्रीन या ब्लू ही समझ में आया. तो वट दे डिड, इन्होंने 50-50 डिवाइड कर दिया, ठीक है. और 50-50 इन्होंने डिवाइड करके छोड़ दिया कि ये अलग अलग है. लेकिन आप सोच के देखो, यहाँ पे तो तीन अलग अलग कलर है, इसको 50-50 में कैसे डिवाइड कर सकते हो, राइट. तो इनके लिए जो लैंग्वेज का परसेप्शन था, दैट डिड नॉट अलाउ देम टू डिफरेंशिएट दैट मच, कि कौन सा लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, ये सारी चीज़ें ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, ठीक है. सो दैट इज हाउ द रिजल्ट रीअफर्म द थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, सिंस लैंग्वेज हैज बीन शोन टू इन्फ्लुएंस द पार्टिसिपेंट बिहेवियर. बिकॉज उनके लिए लैंग्वेज, उनके लैंग्वेज में सीओ नेम वॉज मेड फॉर ग्रीन एंड ब्लू, एंड दैट इज हाउ इट इन्फ्लुएंसेज इन शॉर्टिंग अप द चिप्स, यू मे से. और इस सारी चीज़ों को जो हमने सैपियर-वुल्फ हाइपोथेसिस पढ़ ली, अब इसको आप एग्जामिनेशन में या आपको कहीं पर भी लिखना हो तो हाउ वुड यू प्रेजेंट इट. तो सिंपली यू हैव टू राइट कि ये जो हाइपोथेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द सैपिर और द वुल्फ हाइपोथेसिस, वुल्फ हाइपोथेसिस या वॉल्फिनिज्म, बहुत सारी चीज़ें उसको बोलते हैं. इट इज अ प्रिंसिपल विच सजेस्ट दैट द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज अफेक्ट द स्पीकर्स वर्ल्ड वाइड और कॉग्निशन, एंड दस पीपल परसेप्शन आर रिलेटिव टू देयर स्पोकन लैंग्वेज. यही सारी चीज़ें हमने देखी अभी एम्पेरिकल स्टडीज से भी, और हमने स्ट्रॉन्ग वाली को भी देख लिया था, तो हमें पता है कि क्या डिफरेंसेस थे. ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं. और कुछ चाहे तो आप एग्जांपल्स और भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक इन्यूट्स और जो स्कीमोज होते हैं, दे परसीव स्नो इन अ वेरी डिफरेंट वे. उनके लिए स्नो के भी बहुत अलग अलग आप कह सकते हैं टाइप्स होते हैं, नाम होते हैं. सिमिलरली अफ्रीका में एक ट्राइब है, फॉर देम देयर आर 9 डिफरेंट नेम्स फॉर कोकोनट्स. और हमारे लिए कोकोनट क्या है, इट्स सिंपल, एक कोकोनट, हम उसको एक ही नाम से जानते हैं. ऐसा नहीं है कि हम उसके 9 अलग अलग नाम जानते हैं. बट फॉर दैट अफ्रीकन ट्राइब दे हैव डिफरेंट नेम्स फॉर पर्टिकुलर स्टेजेस ऑफ अ कोकोनट. सो उनके लैंग्वेज में उस टाइप की डाइवर्सिटी है और वो उस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं. बट हमें पूछा जाए तो हम कोकोनट को उस तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो हमारे लैंग्वेज के स्कोप से बाहर है.
एंड देर वॉज अनदर एक्सपेरिमेंटेशन दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन आउट हियर, जिसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इन विच देर वर थ्री डिफरेंट मोनोलिंगुअल स्पीकर्स. वन वॉज ऑफ हिब्रू जो कि आपके इसराइल में बोले जाते हैं, अनदर वन वॉज ऑफ इंग्लिश एंड द थर्ड वन वॉज ऑफ फिनिश और द फिनलैंड के लैंग्वेज. इन तीनों में ये देखा गया कि जो हिब्रू स्पीकिंग कम्युनिटी थी और जो पॉपुलेशन थी दे वर वेरी जेंडर सेंसिटिव. क्यों? क्योंकि हिब्रू जेंडर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता था. इन देयर लैंग्वेज जेंडर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, दैट इज़ हाउ दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड विद दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड दैट इज़ हाउ दे आर वेरी जेंडर सेंसिटाइज. ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक हाउ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड वाइड व्यू और कॉग्निशन, ये सारी चीज़ें. ऑल्दो एक दो जो यहाँ पे मेंशन है वो भी काफ़ी होंगे. देन हमने लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म की बात की थी, तो जो चीज़ें हमने अभी बोली है कि लैंग्वेज डिटरमाइन करता है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखी गई हैं. और ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया हुआ है, दैट इंग्लिश इज एन इकोसेंट्रिक लैंग्वेज को लेके जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो वही वाला एग्जाम्पल है. तो आई वोंट रिपीट इट वंस अगेन. आप चाहे तो अगर एग्जाम में कहीं आपसे पूछ लिया जाता है, इनफैक्ट शॉर्ट नोट्स में ऐसे चीज़ों के आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए आप इन चीज़ों को ना प्रिपेयर करके रखें. वेल इन एडवांस प्रिपेयर होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे जाके. ठीक है, एंड विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड द टॉपिक 7. और नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज गोइंग टू बी 9.1. ठीक है, आई वोंट बी टेकिंग अप द लेक्चर फॉर द टॉपिक 8, बिकॉज टॉपिक जो 8 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी स्टार मार्क दिस दैट टॉपिक 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपको रिसर्च इन एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ना है. बट अभी हम उसको लास्ट के लिए छोड़ देंगे. अगर लास्ट में पॉसिबल हो पाता है आई कवर दैट, अदरवाइज उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है नहीं, तो यू कैन कवर इट ऑन योर ओन एज वेल. एंड रिगार्डिंग 9.1, दोज हु आर हैविंग लाइक इशूज इन अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक बायोलॉजिकल कंसेप्ट लाइक क्रोमोजोम जीन्स, इन सब के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ के रखिए. बट एनी वेज हम बेसिक्स थोड़े बहुत कवर करेंगे ये 9.1 जब हम पढ़ने वाले हैं, सो दैट आप कुछ मिस आउट ना करें. ठीक है, एंड जो बी द कॉन्ट्रीब्यूटर है, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम ताकि हमें कुछ रिस्पॉन्सेज उसमें मिले, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. So the topic 3 will remain same as of now. Okay? And with this, thank you so much. Take care of yourself.